बच्चे होंगे तो गाइस हम सब उठ चुके हैं, मैं तो सुबह ही उठ चुकी थी भाई। ये बंदा बहुत लेट उठा है, इसको मैंने उठाया मार मार के क्योंकि उठ ही नहीं रहता। और गाइस आज इतना स्पेशल दिन है, मैंने कहा भाई उठ। तो गाइस आज है मदर्स डे, तो गाइस हम बहुत एक्साइटेड है, मम्मी को हम बहुत सारा सरप्राइज देंगे, बहुत सारे प्लान करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये देखो होली मना रही है। तो गाइस अभी हम मम्मी तो अभी किचन में है, पर हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, हमने सोचा चलो ब्लॉग बना लेते। तो भाई सभी को ऑल मदर जितनी भी है सबको ही हैप्पी मदर्स डे। गाइस देखो हैप्पी मदर्स डे मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। मैंने वैसे सुबह बोला था और रात को भी बोला था, लव यू लव यू। तो गाइस देखो मदर्स डे वाले दिन भी हमारी बिचारी मेरी मम्मी देखो बना रही है हमारे लिए कुछ स्पेशल ब्रेड पकौड़े। हां तो भाई बच्चों के लिए मदर्स डे वाले दिन मम्मी काम कर रही है। तो गाइस देखो हमारे यम्मी यम्मी बन रहे ब्रेड पकौड़े, देख सकते हो आप। सभी को ऑल मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। सब अपने बच्चों का जैसे हर माँ ध्यान रखती है, हम भी रखते हैं, हमारी माओ ने भी रखा था, आज हम भी माँ हैं। तो भाई हमेशा तुम खुश रहो, ऐसे ही फूलो फलो। ऐसे देखो जिया येरी, जिया हेलो होगा। तो मम्मा को हैप्पी मदर्स डे नहीं बोला? बोलता दिया बोला था हा? चलो गाइस मिलते हैं अब नाश्ते के टाइम। गाइस देखो मम्मी हमारे ने नाश्ता ले आई है, ये रही भाई, थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी हैप्पी, थैंक यू मेरा बच्चो। नाश्ता करो पहले। चलो भाई नाश्ता करते हैं गाइस, देखो कितना हमने तो मम्मा के लिए बनाया था रात को। हाँ गाइस ये सुबह से कह रहे, मतलब रात से ही कह रहे, कल से दीदी कल है ना, मम्मा को कोई काम नहीं करने देंगे, हम खुद काम करेंगे सारा, पर फिर भी मम्मा कर रहे गाइस देखो, क्योंकि जिस दिन हम किचन में घुस गए ना उस दिन काम हो जाएगा है जिया। चलो खाते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस मैंने तो नाश्ता कर लिया है और यहाँ पे मम्मी दे रही है जनित का नाश्ता बना के, क्योंकि जनित को भाई ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है, तो मम्मी ने कहा उसको भी दे के आ जाओ, फिर नीचे भी चाची को बोलना है, विश करना है, तो चलो चलते हैं नीचे। गाइस ये जनित का मैं नाश्ता ले आई हूँ, पर जनित खुद ही नहीं है, तो मैं अब यूवी को दे देती हूँ। ये रहा यूवी और ये रही चाचा, और गाइस ये रही चाची। चाची हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू। तो गाइस चाची से भी मिल ली है, हमने चाची को विश कर दिया। गाइस यहाँ पे मदर्स डे वाले दिन ही देखो पड़ गई है युवंश को डांट चाची से, क्योंकि ये बहुत बदतमीजी कर रहा है। देखो देखो फिर देखो देखो खेल रहा है, देखो पिटा। गाइस यहाँ पे जनित भी आ चुका है, जनित हेलो हेलो हेलो, कैसा लगे ब्रेड पकौड़े? गाइस बड़े जबरदस्त और खाने में। गाइस ये इतने लेट उठा है, तो इसको मैंने उठाया और अब ये नहा धो के अब बैठा है, देखो अब ये नाश्ता करेगा, ये बहुत देर पे देर कर रहा है, पता नहीं क्या ही होगा। और यहाँ पे ये रहा, ये देखो शक्ल, चलो सॉस लो सॉस लो, मदर्स डे बना है इसका तो बहुत अच्छा। मत खाना उसका बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। हेलो क्यों रह रह के याद आ रहा है इनको, ये देखो बदतमीज। क्या हो रहा है यू तो बहुत ही बदतमीज हो रहा है, हटना पानी ग्लास में। रुक जा गाइस, चाची का इसने मदर्स डे वाले दिन चीप बुका के रख रखा है, इसने नाश्ता भी नहीं करा, छुट्टियां पड़ गई ना बस। ये नॉटी बॉय है हमारा, अच्छा सबसे अच्छा बच्चा है इस परिवार का देखो। लग रहा है कोई है, कोई ऐसा लग रहा है, कंबल अपने आप हिला उस काम में तो है। अब अगले सवाल, ये वैसे नाराज किस लिए हो रहा है? हाँ तो हम खिला भी नहीं रहे, हम जनित के लिए लेके आए थे, जनित खा तू चल, फिर वो खा लेगा, फिर मत रोइयो। इसके लिए कुछ नहीं ला रहे हम, तो जनित के लिए लाए थे। गाइस अब जनित आया मम्मी को हैप्पी मदर्स डे बोलने के लिए। ये क्या इतनी संस्कारी, आओ हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू। यहाँ डैडी भी बैठे हैं, फादर भी हैं। फादर्स डे नहीं है अभी, पर जीते रहो भाई, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। मैं तो फोन दे बेटा। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में।
गाइस अब हम नीचे आ चुके हैं और अब हम सोच रहे हैं कि ना नीचे जाके दादी के रूम में कुछ डेकोरेशन वगैरह कर ले वगैरह। तो मैं सोच रही हूँ डैडी को कह दूं कि भाई मुझे ले जाए और दिला के लिए, क्योंकि यार बहुत दूर है, यहाँ से केक मार्केट से लेते हैं हम सब चीजें, और या फिर हम खुद ही जाएंगे, फिर चलिए तो और मैं ही जाएंगे, तो चलो देखते हैं कैसे जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस फाइनली चाचा को हमने मना लिया यार, पहले तो वो मना करने जा रहे थे भाई मैं नहीं जा रहा मैं नहीं जा रहा, खुद जाओ तुम, पर यार बहुत दूर था इसलिए हमने कहा कि आप लेके चल दो हमें, तो बस चाचा के साथ चलते हैं। वैसे उनका मन नहीं है पर वो हमारे चक्कर में जा रहे हैं, और गाइस पैसा तो बर्बाद है ही, पैसा। चलो गाइस चलते हैं, लेके आते हैं कुछ ना कुछ तो केक वगैरह जो भी है, तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा केक मार्केट। पहुंच चुके हैं अग्रवाल स्वीट्स के, तो चलो यहाँ से लेते हैं, देखते हैं केक वगैरह जो भी लेना है हमें, चलो चलते हैं। गाइस देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे केक्स हैं, और यहाँ पे देखो मैं ये वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें लिखा है लव यू मॉम, मदर्स डे का बहुत सारे है, देखो वो लिखा है सुपर मॉम, ये भी मॉम का है, ये भी मॉम का है, सारे है, ये भी है नीचे, देखो कौन सा बता, ये वाला, ये अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं ये वाला अच्छा लग रहा है लव यू माँ, वो ही वाला तो क्या है, बाकी देखते हैं गाइस। तो गाइस हमने केक तो ले लिया, बट जो वाला जो उन सब ने चूज़ किया था वो ले लिया क्योंकि वो हमारे बजट से थोड़ा ऊपर जा रहा था, 500 रुपये कुछ का आ रहा था वो 450 में, तो हमने नॉर्मल ले लिया क्योंकि गाइस हमारा जितना बजट होगा हम उतना करेंगे, तो चलो लेते हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा देख के टपक रही है जनित की नियत, और इसने अभी अभी नाश्ता करा है पर फिर भी इसको खानी है सब चीज़ें, देखो बेटा बजट नहीं है इतना, यहाँ पे केक लेने तक का बजट नहीं है हमारा। चल यहाँ पे हमारा केक आ चुका है, देखो जनित कैसा लगा, मस्त। गाइस हमने पाइनएप्पल पे हिमाली गवा लिया, गाइस केक ले लिया हमने और अब चलते हैं घर की तरफ। भाई हम चाचा से कह रहे हैं कि हमें केक वो केक तो ले लिया सॉरी वो बैलून वगैरह भी दिला दो क्योंकि यार गर्मी बहुत हो रही है, हम कहाँ कहाँ जाएंगे अकेले, पैसे तो भी दे पैसे तो गाइस हमारे चाचा कह भी रहे थे कि मैं पैसे भी ला देता हूँ ले लो, पर हमने कहा नहीं 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 हम जितने पैसे लाए उतने से हम ले लेंगे मम्मी का चाची के लिए। तो गाइस सर अब चलते हैं बैलून वगैरह लेने, गाइस अब हम आए बैलून वगैरह लेने यहाँ पे अंकल की शॉप पे, आ कहाँ जा रहे हैं। डेकोरेशन का भी ले लिया, अब चलते हैं मम्मी और चाची के लिए गिफ्ट लेने। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं मम्मी के लिए गिफ्ट लेने, तो गाइस हम दिखाते हैं हम क्या गिफ्ट ले रहे हैं, देखो हम आए हैं यहाँ पे नर्सरी में क्योंकि मम्मी और चाची को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, और हमको लगा यार क्या ही गिफ्ट दे, तो हमने सोचा कि भाई उनको प्लांट्स गिफ्ट दे देते हैं, और अच्छी चीज़ है भाई वो इन्वायरमेंट को भी अच्छा रखती है। गाइस यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर पौधे हैं, फ्लावर भी हैं किसी किसी पे तो देखो, और यहाँ पे यहाँ से गमले वगैरह भी ले सकते हैं। चल भाई ले कौन सा लेगा देख, ये देखे वाइट वाला, वाइट फूल, ये पिंक वाला भी अच्छा लग रहा है पर इसका फूल वो हो रखा है, नहीं यार ये अच्छा लग रहा है, मुझे आ रहा है ये पिंक वाला भी, गाइस ये वाला अच्छा लग रहा है हमें थोड़ा, वाइट वाला देखो ये रहा, चलो देखते गाइस। देखो यहाँ पे जनित को ये वाला वाइट वाला पसंद आया, फिर पक्का है ये वाला, और नहीं है इसमें कलर नहीं होता, कौन कौन से कलर है दिखा दो, हम दो ही कलर आए गाइस, इसमें एक और कलर है, एक ये रहा पिंक कलर ले लेते हैं, एक वाइट ले लेते हैं, हाँ एक पिंक ले लेते हैं एक वाइट ले लेते हैं, सही रहेगा ले ले फिर, चलो तो गाइस लेते हैं। गाइस एक हमने वाइट वाला कराया है और अब ये पिंक वाला ले रहे हैं हम, पिंक वाला मैं दूंगी वाइट तू दे हो जनित, तेरे को वाइट कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा था ना इसलिए,
नहीं नहीं ये पिंक मैं दूंगी भाई। हाँ तो गाइस चलो हमने गिफ्ट भी ले लिया, अब देते हैं भैया को पैसे फिर चलते हैं घर। गाइस हम आ चुके हैं, ये रहा सारा सामान रख दिया हमने यहाँ पे, और जनित ने यहाँ पे ये रख दिया है गिफ्ट हमारे। गाइस जो भी हमें लाना था हम सब ले आए हैं, और थोड़ी सी हमारे पास पैसों की गाइस बजट ऐसे ही चल रहा था हमारे पास, मतलब हम दोनों के पास जितने पैसे थे हमने मिला के भाई उसमें केक भी ले लिया, डेकोरेशन का भी ले लिया और प्लांट्स भी ले लिए। तो गाइस अब हम डेकोरेशन करेंगे थोड़ी देर में क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं, और जनित को जाना बेचारे को ट्यूशन क्योंकि कल है इसका मैथ्स का एग्जाम। तो जब ये ट्यूशन से आएगा जब हम डेकोरेशन करेंगे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे मदर्स डे, तो चलो मिलते हैं आपसे कुछ देर में, बाय, वीडियो में बने रहें। तो गाइस शाम हो चुकी है, मैं नीचे आ चुकी हूँ दादी के रूम में, शाम के बज रहे हैं 4 क्योंकि मैंने आपको बताया था जनित गया है ट्यूशन अपने, तो वो 1-2 घंटे पढ़ के ट्यूशन से आ गए क्योंकि उसका कल पेपर है, और वैसे ही लेट हो चुका है बहुत कि भाई कितना टाइम हो गया, 4 बज रहे हैं तो लेट हो गया था। तो मैं जिया को लेके, देखो ये जिया जी और मैं आ गए नीचे थोड़ा डेकोरेशन करते क्योंकि और लेट हो जाएगा, तो फिर क्योंकि मम्मी को कहीं जाना भी है कोई सी फंक्शन पार्टी में, तो हमको लगा चलो भाई अभी से स्टार्ट कर देते, पर जनित आ चुका है वैसे, पर अब वो खाना खाएगा रेस्ट करेगा, तो इतने मैं और जिया चलो करते हैं डेकोरेशन। गाइस जिया का स्टार्ट हो चुका है, देखो बैलून फुलाना, और कितनी क्यूट लग रही है फुलाती हुई, देखो क्यूट क्यूट। सारे बैलून फूल ला दिए हमने, देखो ये कह रहा है, और यहाँ पे जनित दी का भी आ चुका है, जनित दी का इन द हाउस। बस अब ये डेकोरेट करते हैं और बैलून लगाते हैं। गाइज हमारी सारी डेकोरेशन तो हो गई है यार, ज्यादा नहीं करी हमने, बस इतना सा करा, देखो यहाँ पे बैलून से लगा दिए, और ये हमने ये स्पेशली हमने माली खाया देख सकते हो आप, और ये जनित ने थोड़ी बदतमीजी करी है, देखो पंखे पे ये लटका के ये कर रहा है, पर अच्छा लग रहा है ये देखो। तभी तो उसने हटाने के लिए नहीं बोला, वरना बोल देते दादी गंदा लग रहा है। ये देखो जितना हुआ यार हमसे, क्योंकि आधे बैलून फट गए भाई, वो पता नहीं कैसे थे ऐसे ही हो रहे, नहीं तो हम यहाँ भी लगाते हैं यहाँ भी लगाते हैं। हाँ तो बस यार ये छोटी मोटी हमारी डेकोरेशन है, अच्छी लगी तो बताना कमेंट्स में कैसी लगी, और ये हमने मालिक है। तो चलो गाइस जल्दी कर ले, चाहे अच्छी लग रही मम्मी को तो तब भी अच्छी लग रही है। गाइस देखो हम चाहे एक कुछ भी करते ना भाई, मम्मियों को तो वैसे भी अच्छी लगती है, ये देखो चलो तो बस अब केक वेक की तैयारी व्यारी करते हैं। गाइस हमारा केक तैयार हो चुका है देखो, और ये डेकोरेशन भी हो गई है सब ठीक है, अब बस अब मम्मियों को बुलाना है, और यहाँ से बस एक ये ले लेते हैं उनकी एंट्री पे ये फोड़ेंगे, तो बस ये सारा हो चुका है, ओ अभी मत कर, तो चलो मम्मी को बुलाते हैं। गाइस हमने अपने जो गिफ्ट लाए थे मम्मी के लिए ये भी नीचे ही रखे थे, ये भी निकाल लेते हैं जल्दी से भाई क्योंकि टाइम हो गया, मम्मी ऊपर से बोल रही है मुझे टाइम हो रहा है जाना भी है जल्दी घर जो कर रहे हो यार, तो गिफ्ट भी यहाँ रख लेते हैं, और जो हमने मम्मी के लिए कार्ड्स बनाए थे वो भी जिया और यू भी ला रहे हैं, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो गाइस हो गया, देखो ये देखो जनित क्या कर रहा है, कर जल्दी कर। तो गाइज ये हम सबके कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ कि करके इतने मम्मी नहीं आ रही है, तो ये चिल्ला रहे पीछे। गाइज ये देखो ये मैंने दिया चाची को हैप्पी मदर्स डे का, ये मैंने चाची को दिया है, और ये मेरा है जो मैंने मम्मी को दिया, देखो ये और ये जनित ने मम्मी को दिया है देखो। गाइज ये देखो जिया ने दिया है मम्मा को, इसने अंदर कविता भी लिखी है देखो, और ये पीछे देखो और ये। पीछे लिखा है मेरी प्यारी माँ, और गाइज ये दिया है जनित ने चाची को, नहीं यूं ही नहीं, मेरी तरफ से दोनों की तरफ से, ये अभी खुलेगा, मेरे हाथ में कैमरा है आपको बाद में दिखाएंगे। तो चलो गाइज ये सब भी रख देते हैं, ओए ना गाइज चलो ये सब रख देते हैं, फ्लावर्स भी लगा दिए हमने दो, देखो ये हमारी डेकोरेशन वगैरह हो गई है, अब चलो जल्दी से बुलाते हैं मम्मी को, चल भाई जल्दी चलो बुलाओ मम्मी को, चाची अब बुला के लिया चाची को भी, ओ वाओ हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे।
नहीं आता था तो हमने ऐसे डाल दिया सर को। क्या करने में लगो इतनी देर से, कह रहा हम कार्ड बना रहे हैं। ये देखो इतनी ऊपर पंखे में देखो। आ जाइए प्लीज दोनों माता है हमारी। चलो आओ आओ आओ, इतनी देर से यहाँ पर ये सब करने में लगे। चलो चाची आओ, ये रहा छोटा कार्ड, कहाँ गया, उड़ गया होगा कहीं। चलो जाओ कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बेस्ट, बहुत बढ़िया। हमने बहुत मेहनत करी है, ब्लेस यू। इतनी देर से तुमने होमवर्क कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कार्ड बना रहे हैं, और मुझे जाना भी, मैं तैयार होने में लगी पड़ी हूँ कब से। अरे आओ बेटा इधर आओ, इससे मैं देखो केक पे आ जाएगा हमारा केक। भाई बहुत बढ़िया तैयारी है, बच्चों ने अपने आप से किया ही आज हमारे लिए सरप्राइज प्लान। अरे तूने उल्टा कार्ड रख दिया, तुम इतना सब भी कर सकते हो ये पता नहीं था हमें। और कैसे किया ये सब कुछ, किसके साथ गए केक वगैरह लेने? चाचा के साथ। दीदी बोला था मोबाइल, आप लोगों को बोल के कहते ना प्रोजेक्ट लेने गए वो। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। खाओ खाओ खाओ, सबसे पहले टमी हुए खाने के लिए। कैसा लगा गार्डनिंग करना आपको? बहुत अच्छा लगता है वैसे भी, इसलिए हमने फ्लावर्स ही लिए आपके लिए, प्लांट्स ही लिए। थैंक यू। चलो गाइस अब केक खाते हैं। मम्मी हेलो, हैप्पी मदर्स डे, मैंने ये आपके लिए बनाया है। थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे चाची। थैंक यू, हां मैं दी ले मैं दे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू जनीत, गॉड ब्लेस यू। दिखाओ ना, बड़ी अम्मा मैं दोनों खोलेंगे ना, दोनों खोलो। हाँ दोनों खोलो, दोनों खेचो ये भी। सभी आप लोग देखिए, जो भी बच्चे भी देख रहे होंगे तो हमारे बच्चों ने हमारे लिए कितना कुछ किया, ये सारा दिन से लगे हुए हैं, इन्होंने इतने प्यारे प्यारे कार्ड बनाए हमारे लिए, सदाबहार के पौधे लाए, केक लाए, इतना कुछ लेके आए, डेकोरेशन का भी करा। डेकोरेशन भी देखो इस बार क्या लिखा इन्होंने, रिबन से मां देखिए गाइस। थैंक यू गाइस, चलो करते हैं इस ब्लॉग का यही एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में हैप्पी मदर्स डे लिखना जरूर।